थोड़ा ना एजेस को थोड़ा अंदर ले ऐसे। You feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys, welcome back. तो भाई आज मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा कि मेरा डेली रूटीन क्या है कनाडा में। ये थोड़ा इम्प्रोवाइज्ड रूटीन है मेरा, क्योंकि ऐसा हमेशा से नहीं होता था। इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा कैजुअली, बहुत ज़्यादा मज़े में रहता था, बट जब से मैं इंडिया से वापस आया उसके बाद से ना अब थोड़ा बहुत वो टाइम आ गया जिसमें काम पे भी थोड़ा सीरियसली होके जाना पड़ेगा, क्योंकि पीआर भी ऑलमोस्ट लगने वाली है, लाइक फाइल लगाने का टाइम आ रहा है, तो काम पे भी जाना पड़ता है पूरे टाइम टू टाइम। एंड सारी चीज़ें मैं ठीक कर रहा हूँ, वेट भी काफ़ी ज़्यादा गेन कर लिया था, तो इस टाइम पर थोड़ा डाइट पर भी चल रहा हूँ मैं, मतलब शुगर वगैरह कट करी हुई है, ऑयल वगैरह कम किया हुआ है, तो ये सब चीज़ें मैं अब आपको इम्प्रोवाइज्ड रूटीन दिखाना चाह रहा हूँ मैं अपना नया। और ये इसलिए नहीं कि मैं बस नया रूटीन है इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट इसलिए भी क्योंकि हाँ थोड़ा बहुत मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस वगैरह बना नहीं रहा था, और मेरे पास ऐसे मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत ज़्यादा फ्री टाइम भी होता है, तो मैं वाई नॉट कुछ करूँ इस चीज़ के बारे में, क्योंकि आई लाइक मेकिंग वीडियोज़। एंड तो आज की शुरुआत भाई थोड़ी सी ठंड से हुई है, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है, वैसे 3-4 दिन से थी नहीं इतनी बर्फ़, मतलब बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई है। मैं नीचे जाके दिखाता हूँ, और आज मैंने काम पे भी जाना है, और मेरे काम का टाइम है 3:45, तो कम से कम 3 बजे तो निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। एंड इस टाइम पे 10 बज रहे हैं शायद, मैं 9 बजे उठा था, बस नहाया नहीं हूँ इसलिए, क्योंकि अभी मेरे को सारा ड्राइववे साफ़ करना है, क्योंकि मेरी गाड़ी फंसी हुई है। सो बेसिकली बर्फ़ पड़ पड़ के ड्राइववे भी ब्लॉक हो रखा है कि गाड़ी निकल नहीं सकती, और गाड़ी के ऊपर भी बर्फ़ बहुत सारी है, तो ये सब साफ़ करना है। एंड खाना भी बनाना है, ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कुछ एक चीज़ ही करूँगा, और काम के लिए भी खाना बनाना है, तो अभी ये सब कुछ करना है, और फिर नहाऊँगा क्योंकि अभी बाहर जाना है, इसलिए नहीं मैं गर्म पानी से नहाता हूँ, तो इसलिए मैं पहले नहीं नहा रहा। चलो दिखाते हैं नीचे। और यस, एक और चीज़ थी कि ये मेरा रूम था जो कि बहुत गंदा हो रखा है, बट ये रूम से मैं नेक्स्ट महीने, मतलब दो दिन और रह गए, नेक्स्ट मंथ से मैं दूसरे रूम में शिफ्ट हो रहा हूँ, और इस रूम में कोई और आ रहा है, तो दूसरे रूम से न्यू स्टार्ट, सब कुछ न्यू करेंगे। चलते हैं नीचे, मैं बर्फ़ दिखाता हूँ कितनी पड़ी हुई है, ये देखो कितनी कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है भाई, ये फोकस नहीं हो रहा, बट लाइक वो कार के उससे देख सकते हो कि उसके पीछे कितनी ज़्यादा बर्फ़ इकट्ठी हो चुकी है, और ये मेरी कार है, ये भी कैसी हो रखी है, तो ये सब साफ़ करना है। इससे दिखाता हूँ, यहाँ पे पता लगेगा इतनी इतनी बर्फ़ गिरी है, जितना ये ज़मीन से ऊपर है ना इतनी बर्फ़ है, तो ये सब साफ़ करना है। और मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी फंसी है, और किसी और को ऐसे बोलना मतलब ऐसी फालतू में ना घर में थोड़ी सी ये सारी चीज़ें अवॉइड करता हूँ, तो मैं कर रहा हूँ। और हाँ, जब से मैं कनाडा आया था तब इतनी थी नहीं, जब मैं कनाडा आया था लैंड हुआ था तब तो बर्फ़ थी ही नहीं, लाइक बर्फ़ नहीं थी, सारा कुछ प्लेन था, और मेरे आने के बाद दोबारा और बर्फ़ पड़ी है जिसमें इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। और तो भाई फुल रेडी हो चुके हैं हम, और मतलब फुल नहीं हुए हैं अभी, ये पहनना है ग्लव्स, और ये मेरा हाथ में स्टैंड है, मैंने लोअर पहन लिया है, अभी इसके ऊपर विंटर जैकेट पहन के नीचे विंटर शूज़ पहनने हैं, तो जल्दी से विंटर शूज़ पहनते हैं और बर्फ़ हटानी शुरू करते हैं। मेरे लिए सही है यहाँ पे इसलिए क्योंकि अगर मैं यहाँ से खोलूँ तो इतनी बर्फ़ है, यहाँ से मैं जा नहीं सकता, तो हम गिराज से चलेंगे। तो भाई मैं दिखाता हूँ अभी क्या सीन है बाहर, अभी शफल लेके शुरू हो जाएंगे। ये रही मेरी कार, और इसके ऊपर देखो कितनी बर्फ़ है, तो मैं अपना स्टैंड पे लगाता हूँ फ़ोन ताकि मैं दिखा सकूँ, और फिर शुरू होता है।
भाई अभी मैंने सिर्फ इतनी सी साफ करी है और मेरी बुरी हालत हो गई, सांस चढ़ गई। अब मैं सोच रहा हूँ गाड़ी में से पहले कैप निकाल लूँ, क्योंकि मेरे को ये टोपी से ना दिख नहीं रहा है, ये मेरी जैकेट नहीं है तो इसलिए ये बड़ी है टोपी, तो कुछ करना पड़ेगा। भाई एक घंटा लग गया हमें करने में, पूरा ड्राइववे साफ कर दिया, गाड़ी लग गई है और सब लोग वही कर रहे हैं इस टाइम पे। मिलते हैं ऊपर अब। तो भाई मैंने सोचा था कि जिम लगते हैं, क्योंकि वेट वगैरह थोड़ा बढ़ गया है मेरा काफ़ी ज़्यादा और डाइट पे भी हूँ तो जिम लगते हैं। बट जो आज मैंने सेशन किया है ना बर्फ़ हटाने का, इतना मैंने कभी नहीं किया। पहले भी बर्फ़ पड़ी थी तब हमारे पास शवल ही नहीं था, बट आज जो मैंने किया है ना भाई, लाइक जो भी पहना हुआ था इतना गीला हो गया ना ये सारा कुछ। मैं सोच रहा हूँ कि जिम के पैसे बचा के लोगों के ड्राइव ही साफ़ कर लेता हूँ, $10-10 में पैसे भी कमा लूँगा और ये भी हो जाएगा भाई, बट बुरी हालत होगी। बट फाइनली अभी हट चुका है और बर्फ़ पड़ नहीं रही है, बट हवा से थोड़ा सा, मतलब हवा की थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि अगर हवा से ये होता है, बर्फ़ जो भी साइड पे पड़ी होती है ना वो हवा से उड़ के वापस आ जाती है, तो वो ना हो। बाकी 1 बज गए और 3 बजे मेरे को काम के लिए निकलना है, नहाने जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ नहा लेता हूँ, फिर उसके बाद खाना खुना भी बनाना है, सब कुछ करना है, तो चलते हैं। 2 hours later लेट हो गया मैं थोड़ा सा। ये हमारा डाइट वाला खाना तैयार हो चुका है, टॉर्टिया रैप के साथ पूरा भी बनाएंगे। इसको पैक करना बहुत मुश्किल है ऐसे। थोड़ा ना एजेस को थोड़ा अंदर ले ऐसे। हाँ रैप तो नहीं है, कुछ और ही लग रहा है। प्रैक्टिस होती है उन्हें, ऊपर से वो सामान बहुत कम डालते हैं तो इजी होता है। अगली बार से हम भी 2000 years later तेरे जैसे लग रहे हो और अभी गैस कर कैसे कैसे अच्छा। फाइनली मैंने हमारा एक काम के लिए टॉर्टिया यार रेडी हो चुका है, अब इसको क्या बात है क्या बात है इसको कर लेंगे हम एक। एक काम कर, इसको ना दोनों को एक ऑसॉइल में कर ले। तो भाई हमारे टॉर्टिया बन चुके हैं और रैप तैयार हो चुका है, अब हम जा रहे हैं नहाने। इससे पहले मैंने नहाने का प्लान था पर मैंने खाना बनाना इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि कुछ सीन हो गया था, राफिया को लेने जाना पड़ा, तो मैंने सोचा कि मैं नहा के बिना रेडी होके फिर जाऊँगा, उससे बेटर ले आता हूँ। और फिर लेके जब मैं आया तो फिर मैं किचन में था तो मैं खाना बनाने लग गया। अब फाइनली मैं नहाने जा रहा हूँ। 2:15 हो गया, 2:20 के आसपास कुछ टाइम हो गया और
बस 40 मिनट्स है जिसमें मेरे को खाना खाना है और नहाना है और रेडी होना है। तो बस ये सब करके सीधा काम पे। सो गाइस मस्त नहा के मैं रेडी हो चुका हूँ। बस टी शर्ट नहीं पहनी क्योंकि मैंने वाइट टी शर्ट पहनी थी और अभी खाना खा रहा था तो मैंने सोचा गंदी ना हो जाए। एंड अब मैं शुरू करूँगा अपना खाना और साथ में थोड़ी देर देखूँगा यूट्यूब। 10-15 मिनट ही देखना है और 10-15 मिनट ही करना है। तो जल्दी से खा के फिर दिखाते हैं आगे का प्लान और काम पे क्या क्या होता है। भाई हम हो चुके हैं ऑल सेट, 3:10 हो चुके हैं और यहाँ से कम 25 मिनट का रास्ता है तो मैं अभी निकल रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम स्पेयर लेके चलते हैं। एंड ये रहा मेरा आउटफिट, ये उतार देनी है मैंने जैकेट और दाढ़ी दूढ़ी थोड़ी मैं बढ़ा रहा था तभी मैंने इसको काटा नहीं है वरना मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं काट देता हूँ। चलते हैं फटाफट। ये रहा टिफिन। भाई ऑन सेकेंड थॉट्स मैं तुम्हारे को दिखाते दिखाते अपनी दाढ़ी, ये जो थोड़ी थोड़ी दिख रही थी ये चीज़ दिखाते दिखाते मेरे को बहुत ज़्यादा वो होने लग गया तो मैं सोच रहा हूँ काट ही लेते हैं इसको भी। ट्रिमर्स। तो भाई हो गया हूँ एकदम क्लीन शेव, मस्त चिकना चिकना। अब चलते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं काम पे। पानी की बॉटल धन्यवाद। भाई इतनी बर्फ साफ करी थी इस मौसम में, ओह माय गॉड, इस मौसम में गाड़ी चलानी है हमें। दिखाता हूँ तुम्हारे को कैसे हिलती है गाड़ी। ये अभी स्नो गिरी हुई है ना पूरी, तो अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा रेस देता हूँ तो मेरी कार में लिखा था ट्रैक्शन के लिए कि भाई मतलब कि गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही है, पर अभी भी ना ऐसे ऐसे करने पे भी पूरी स्लिप होती है गाड़ी पूरी, क्योंकि अब ये सारी जो ये वाली बनी हुई है ना ये सारी आइस हो गई है, हटाई नहीं इन्होंने यहाँ पे। और अगर एक तो मेन शहर से थोड़ा दूर है ना, इसलिए मेन शहर से दूर है इसलिए थोड़ा सफाई कम होती है, बट ये क्या कर रहे हैं बच्चे। तो हमारा शहर की बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी सब सही है, यहाँ पे घर वगैरह अच्छे हैं, बट भाई बहुत बुरी हालत है यार आज तो। गाड़ी ही नहीं चल रही। तो भाई मैं काम पे पहुँच चुका था थोड़ी देर पहले, अभी मैं ब्रेक लेके आया हूँ बाहर दिखाने के लिए। और एक तो फ़ोन भी यहाँ सबमिट होते हैं तभी मैं बना नहीं पाता ऐसे, मतलब अंदर आके फ़ोन रखना पड़ता है तो ऐसे जल्दी जल्दी नहीं बना पाता, बट अभी भी अलाउड नहीं है फ़ोन ऐसे लेके आना। और मैं नीचे जिस तरीके से आया हूँ, बट ब्लॉग के लिए करेंगे हम ये सब। बट आज बड़ा सूना सूना सा लग रहा है पूरा काम ना यार, यहाँ पे कोई है भी नहीं और मंडे को इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी शायद तभी हो रहा है, बट ऐसा ही है। अभी इसके बाद मैं लूँगा 15 मिनट की ब्रेक होएगी जो ऑफिशियल होएगी, फिर उसके बाद आधे घंटे का लंच, फिर 15 मिनट की एक और ब्रेक और फिर 12:15 पे छुट्टी होएगी रात की, बहुत बुरी बात है। तो भाई इस टाइम पे बज रहे हैं 10 और अब जाके ली है मैंने अपनी ब्रेक। बहुत ही ज़्यादा पहले मैं खा चुका हूँ थोड़ा सा, 15 मिनट वाली ब्रेक ली थी मैंने, जल्दी सी छोटी सी होती है तो वो ब्रेक लेके मस्त मैंने खा लिया था। अब मैं अपना लंच लूँगा 1/2 आवर का, फिर उसके बाद काम से जल्दी से ख़त्म करना है, थक ही गया बस बहुत ज़्यादा। इस टाइम तक दिमाग दर्द करने लग जाता और कुछ भी करने का मन नहीं करता, बट क्या करें, अब पूरा कॉन्सेंट्रिक एकदम खाली है भाई, पूरा खाली, कोई भी नहीं है, तभी मुझे इस टाइम पर काम करना पसंद नहीं। तो भाई फाइनली मैं घर पे आ चुका हूँ और भाई साहब इतने दिनों बाद कॉल्स लेके इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है ना, एग्जॉस्टेड
ये काम करना बस यही एक ड्रॉबैक है कि मतलब ना काम के बाद, एक तो वैसे भी थोड़ा बहुत कुछ दिनों से ऐसे स्केड्यूल मेरा चेंज हो चुका है कि मैं 9 बजे उठ रहा हूँ, वरना नॉर्मली मेरा इस स्केड्यूल के साथ 3:45 अगर काम होता है तो मैं कम से कम 12 बजे तक 1 बजे तक तो उठता था, बट अभी 9 बजे उठ रहा था तो फिर अभी स्केड्यूल बैठा नहीं है ढंग से। तभी मुझे इस टाइम घर पे आते इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, और बस काम से भी घर पे मैं इतनी तेज़ तेज़ गाड़ी चला के आया हूँ जल्दी से कि बस सोना है, अब नींद आ रही है। और अभी अभी काम मतलब अभी बस बेड पे लेटा ही था और याद आया कि बस व्लॉग भी तो एंड करना है। हाँ तो बस यही यही बताना था कि हाँ यही मेरा स्केड्यूल है, यही मैं सुबह से रात तक करता हूँ, और सुबह से रात में 9 घंटे बस ट्रैवलिंग मिला के काम पे लगा लो, 8 घंटे काम पे, 1 घंटा ट्रैवल का, और यही बस खाना प्रिपेयर करना होता है कभी कभार, बस कपड़े उठा के वो उसमें वॉशिंग में डाल देते हैं, कभी बर्तन वगैरह धोने, यही सब काम करता हूँ। बट यही है मेरा रूटीन। अगर मैं भी बीच में 2-3 दिन की छुट्टी आएंगी तो अगर कुछ अलग करूँगा तो ज़रूर व्लॉग बनाऊँगा उसके लिए भी। बट अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।